बेस्ट सिमुलेशन गेम आई हैव प्लेड टिल नाउ। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, सिमुलेशन गेम में मैं इतना माहिर नहीं हूँ और मैंने ज़्यादा खेला नहीं है, लेकिन इस गेम ने मुझे बहुत ही प्रोत्साहित किया था खेलने के लिए। इस गेम के ग्राफिक्स एक्चुअली मुझे बहुत अच्छे लगे, जो टॉप डाउन व्यू दिया है गेम का, जो ट्रेन चलाते हैं हम, क्या सही लगता है जो जो व्यू दिखता है। इट जस्ट फील्स लाइक आई एम ट्रूली रनिंग द ट्रेन एंड आई एम वॉचिंग द सीनरी अराउंड। ग्राफिक्स ठीक है, इट्स नॉट दैट गुड, इट मे गेट बेटर, बट इट्स ओके फॉर मी। मैं फोकस था गेम प्ले पर एंड ओ माई गॉड, आई डिडंट न्यू ट्रेन चलाना इतनी सबसे मुश्किल चीज़ है। सच्ची में आई वॉज सो डैम सरप्राइज कि इतना हार्ड है ये गेम। सादा पैसेंजर को भी लेने में बहुत डिफ़िकल्टी है, क्योंकि किधर से क्या ट्रेन आ जाए। हाँ, यू नो, यू गेट सम हिंट्स लाइक विच ट्रैक यू शुड ड्राइव द ट्रेन एंड व्हेन टू चेंज द लेन, बिकॉज यू गेट द हिंट कि ग्रीन सिग्नल मतलब चेंज करने की ज़रूरत नहीं ट्रैक को, रेड आता है तो पहले चेंज करो ट्रैक को, समथिंग इज अहेड ऑफ यू और इट्स कमिंग अहेड टूवर्ड्स यू, येलो मीन्स you have to stop and it may move around, so you get hint like that, but you know, it's difficult because once you get into speed or you don't see ahead what's happening in a blink and of eye, you are just going to crash and there is nothing you can do. Otherwise you have to go to the reverse and do it again, and it takes lots of time and lots of patience. हाँ, अगर आपके पास पेशेंस भर के है तो ये गेम खेलिए। इट्स हाँ एक्चुअली सिमुलेशन गेम है एंड इट्स मेंट टू बी रियलिस्टिक। हाँ, पर इतना रियलिस्टिक नहीं है ये गेम। हाँ, ट्रेन फील होते जब स्टॉप करते हो, मूव करते हो, इट फील्स लाइक यू आर ड्राइविंग अ ट्रेन, बट उससे ज़्यादा कुछ नहीं इसमें रियलिस्टिक। ग्राफिक्स आर एवरेज, अबव एवरेज आई विल से, थोड़ा सा एनहांस किया होगा तो अच्छा लगता, जैसे कि मूवमेंट्स होते पैसेंजर के, जो एरिया है सराउंडिंग उसको थोड़ा और मतलब वेदर कंडीशन दिया था और लुक्स दिए थे तो अच्छा लगता। ट्रेन्स को और थोड़ा लुक्स दिए रहते अच्छे से तो और अच्छा होता, बट इट्स ओके। गेम प्ले में आप इतना घुस जाते हो कि इन सब चीज़ों को आप भूल जाते। हाँ, सिमुलेशन में ये चीज़ें एक्चुअली ज़रूरी है, वो एनहांस करते सिमुलेशन को, बट आई एम फाइन विथ इट बिकॉज मुझे गेम प्ले बहुत पसंद आया इसका। आप भी ट्राई कीजिए गेम, इसमें बहुत सारी ट्रेन्स हैं, मिशंस थोड़े ही है पर डिफ़िकल्ट है। इट ऑलमोस्ट टुक मी 5 hours टू कम्प्लीट ऑल द मिशंस एंड आई विल नॉट शो देम ऑल, इट्स अप टू यू टू कम्प्लीट इट। इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफलाइन गेम फॉर यू। सो तो और मैं इस चीज़ को एक चीज़ बताना, आप इसमें बहुत सी चीज़ें क्रैश करने वाले, बार बार ट्रेन को क्रैश पे क्रैश करने वाले, एंड इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप बिकॉज यू व्हेन यू ट्राई टू कंट्रोल द ट्रेन एंड गुड एंड मेंटेन स्पीड और यू हैव टू चेंज द लेन, इट्स जस्ट गेट्स डिफिकल्ट बिकॉज ऑनकमिंग ट्रेन्स आर गोइंग टू बी नॉन स्टॉप एंड यू कांट कंट्रोल इट एंड यू आर गोइंग टू क्रैश टू देम, इवन यू आर गोइंग टू क्रैश टू द ब्रेकर एंड एक्सेट्रा। You have to be really precise on it to maintain and to complete the missions. Otherwise, it's going to get really difficult for you. Yeah, that's why I said at the start, master the track and you will complete the game easily, almost easily. Once you understand the track, where you want to go and how you want to go, you will complete that mission easily, and you will get a very means once you finish that track, you will have an exciting experience. I will. इसमें आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हो। आप इसमें सबसे मेरा फेवरेट है ट्रांसपोर्ट पैसेंजर, जो स्पीड से आप चलाते हो अलग ही एक्सपीरियंस है। मुझे तो सबसे बेस्ट वही लगा और ट्रू एक्सपीरियंस मिलता है इलेक्ट्रिक ट्रेन का, बुलेट ट्रेन का स्पेशली। हाँ, इसमें थोड़े साइड मिशंस भी है, आपको कार्गो ट्रेन
मिलता है, आपको कार्गो एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे लेना है। इट्स वन ऑफ द डिफ़िकल्ट टास्क फॉर मी एक्चुअली, क्योंकि इसमें चेंजेस बहुत लेंस करने पड़ते हैं और मुझे वो बहुत डिफ़िकल्ट जाता है। और सबसे रियलिस्टिक एक्सपीरियंस इसमें मिलेगा आपको एक्चुअली, क्योंकि ट्रेन बहुत स्लो है, आपको स्पीड मेंटेन करने का बहुत डिफ़िकल्टी जाता है और लेंस बीच बीच में चेंजेस करने पड़ते, तो इट कैन गेट अ रियली डिफ़िकल्ट थिंग फॉर यू। फिर देन देर आर सर्वर मिशंस विच आर एक्चुअली क्वाइट इंटरेस्टिंग, जैसे कि ट्रेन डिडल हो जाती है, आपको कार्गो ट्रेन यूज़ करके उनको हटाना है बीच से, क्योंकि बाकी के ट्रेन आराम फिर से ट्रैक में आ सकते हैं, चल सकते हैं। एंड इट कैन बी क्वाइट अ फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस, बट एट द सेम टाइम वंस यू कम्प्लीट इट यू कैन गेट दैट मोमेंट। सो यही मेरा रिव्यू था, आप ज़रूर खेलिए इस गेम को, इट्स वन ऑफ द बेस्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन सिमुलेशन गेम इन 2020 एंड इट्स रियली एक्चुअली इट्स अ स्मॉल साइज गेम, इट्स ऑलमोस्ट 150 MB गेम, ऑफलाइन भी है, फ्री भी है, और क्या चाहिए। इट्स वन ऑफ द बेस्ट गेम आई हैव प्लेड। हाँ, इट्स नॉट दैट गुड इन ग्राफिक्स, मेन्यू सिस्टम भी बहुत डल है एक्चुअली, डेवलपर को इसमें थोड़ा अपडेट करना चाहिए, देन it might enhance the experience for everyone. So that's it guys, thank you for watching my review.